हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.4, जिसमें हम करने वाले हैं दो मेन टॉपिक्स, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो स्फीयर आपने सभी ने देखा होगा, रफली आपने सबने क्रिकेट खेला है, फुटबॉल देखी है, ठीक है। तो ये स्फीयर, ठीक है, स्फीयर परफेक्ट स्फीयर है ये, और मैं अभी एक जस्ट समझाने के लिए लेके आई हूँ। ये परफेक्ट नहीं, मान लीजिए कि ये परफेक्ट है, ठीक है। तो स्फीयर का TSA और CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें जो कर्व्ड सरफेस है वही टोटल सरफेस है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का सेम होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 4πr², ठीक है। अब हेमिस्फीयर, अगर मैं इसी को बीच में से काट दूं, मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं है टेनिस बॉल को बीच में से कट करना, तो मैं इसलिए रफली अगर हम इसको माने स्फीयर, तो अगर मैं बीच में से कट करती हूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास हेमिस्फीयर, ठीक है। ये एक हेमिस्फीयर बन गया। अगर हम ऐसे रखेंगे तो कैसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरह का, ठीक है। 2D में तो सेम ही सर्कल दिखेगा, लेकिन 3D में इमेजिन कर लो तो ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब हेमिस्फीयर का TSA और CSA देखेंगे। CSA ऑफ हेमिस्फीयर मतलब ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज दिस मच पार्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 2πr². CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr². अब अगर टोटल सर्फेस एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ बेस भी हम ऐड करेंगे, और ये बेस कैसा है, सर्कुलर। अगर आप इसको परफेक्ट, इसको अगर आप मान लेते कि परफेक्ट स्फीयर था, तो कट करने से आपको परफेक्ट हेमिस्फीयर मिलेगा। तो एरिया ऑफ बेस कैसा होगा, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये कैसा शेप है, मान लीजिए कि सर्कल है, तो सर्कल का एरिया πr², ठीक है। तो TSA ऑफ हेमिस्फीयर में 2πr² प्लस πr² एरिया ऑफ बेस करेंगे, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, एंड दैट इज इक्वल टू 3πr². बस अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और तीन पार्ट्स है। रेडियस सबसे पहले दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला, अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोला है तो नॉर्मली सरफेस एरिया बोला है तो टोटल सरफेस एरिया होता है, वैसे भी स्फीयर का तो CSA TSA सेम ही होता है। तो TSA ऑफ स्फीयर इज, यहाँ पे लिखा मैंने फॉर्मूला, 4πr², ठीक है। आर स्क्वायर दो बार लिखेंगे, अगर आप ऐसे कर देंगे और फिर यहाँ पर ये 22/7 है, और ऐसे ऐसे कैंसिल कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 10.5 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कैंसिल करते हैं, 7 × 7 = 35, 4 × 22 = 88, एंड 15 × 105 = 1575, डेसिमल दो प्लेस के बाद लगेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1386। यूनिट ध्यान रखेंगे, एरिया है इसलिए cm². मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, जिसमें रेडियस दिया हुआ 5.6 सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr² 5.6 × 5.6, कैंसिल करेंगे, 7 × 8 = 56, डेसिमल एक प्लेस के बाद है, ठीक है। 4 × 22 = 88, और 8 × 56 करेंगे तो मिलेगा 448, डेसिमल दो प्लेस के बाद, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 392.24। यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, 394.24 है। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, इसमें दिया हुआ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया 4πr² 7 × 2 = 14, बस 14 × 2 = 28, और इनको मल्टीप्लाई करके मिलेगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। क्वेश्चन टू करते हैं। क्वेश्चन टू में बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, आपको डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर से पहले हम रेडियस निकाले, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर d/2, 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। बस अब हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, टोटल सर्फेस एरिया इज 4πr², ठीक है। 7 कैंसिल हो गया, 88 × 7 कितना हुआ, 88 × 7 = 56, 56 + 5 = 61, तो 616 cm² फर्स्ट पार्ट का आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, डायमीटर 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2, इसको आप चाहे तो डेसिमल में निकाल सकते हैं, लेकिन प्रेफर कीजिए कि ऐसे ही कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। अब टोटल सरफेस एरिया इज 4πr² 21/2 × 21/2, देखो 2 × 2 = 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 × 3 = 21,
फिर 22 इंटू 3 66 इंटू 21 और इनको मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट डायमीटर 3.5 तो रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 फॉर्मूले में पुट करते हैं 4 पाई इंटू आर स्क्वायर 3.5 अपॉन 2 इंटू 3.5 अपॉन 2 2 जा 4 कैंसिल 7 5 जा 35 5 टू जा 10 ऑफ 5 टू जा 10 प्लस 1 11 ठीक है तो ये आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट मीटर में है ठीक है मीटर स्क्वायर यूनिट का ध्यान रखेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर पाई आपको दिया हुआ 3.14 लेना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर ठीक है 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है इंटू रेडियस का स्क्वायर ठीक है डेसिमल यहाँ पर हटाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन ईजी होगा यहाँ पर 3 इंटू 314 एंड दैट इज इक्वल टू 942 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। तो पहले इसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर और फिर उसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर जिनको हमने आर वन और आर टू ले लिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बलून इन टू केसेस तो चाहे तो आप दोनों का इंडिविजुअल सरफेस एरिया निकालें और उसके बाद रेशियो निकालें उसके बजाय बेटर होगा हम चाहते हैं हमारा टाइम सेव हो सही मेथड हो और टाइम सेव हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। सरफेस एरिया स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 बाय आर स्क्वायर फर्स्ट स्फीयर के लिए 4 बाय आर वन स्क्वायर और सेकंड स्फीयर के लिए 4 बाय आर टू स्क्वायर क्योंकि हमने रेडियस आर वन और आर टू लिया है ठीक है क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है तो हम आराम से कर सकते हैं 4 बाय 4 पाई कैंसिल हो जाएगा हमें मिला आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर वन अपॉन आर टू होल स्क्वायर ठीक है आर वन कितना है 7 और आर टू है 14 का होल स्क्वायर। अब यहां पर भी फास्ट कैलकुलेशन करना है हमें तो अंदर वालों को कैंसिल कर दो 7 2 14 क्या आया 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:4। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5th अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर तो आपको इनर डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिनप्लेटिंग इट इनसाइड आपको डायमीटर दिया हुआ है ये ठीक है और अंदर की तरफ आपको टिन प्लेटिंग करनी है एट द रेट ऑफ रेट दिया हुआ है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो आपके पास एक बोल है सपोज एक बोल इसका डायमीटर मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस डायमीटर दिया हुआ है ठीक है और यहां पर हमें टिन प्लेटिंग करनी है अंदर टिन की प्लेटिंग की जानी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से टिन की प्लेटिंग होगी और उसका रेट दिया हुआ है कितना रेट है अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का टिन प्लेट करते हैं तो ₹16 लगेगा तो आपका जितना भी आएगा उसमें कितना कॉस्ट होगा तो सबसे पहले डायमीटर से हम रेडियस निकाल लें डायमीटर का हाफ बस ऐसे ही रहने देते अब क्योंकि हमें सिर्फ इतने एरिया को टिन प्लेट करना है तो ये कैसा है सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू रेडियस इज 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2 ठीक है 2 से 2 कैंसिल ये 2 11 जा 22 7 1 जा 7 5 जा 35 तो हमें मिला 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 तो इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 15 और 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1575 डेसिमल दो प्लेस के बाद ठीक है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 173.25 ये तो आ गया सरफेस एरिया ठीक है अब हम इस रेट पे फोकस करते हैं आपको दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹16 400 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹16 सो फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड लगाएंगे 16/100 ठीक है अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतना कॉस्ट है तो फॉर 173.25
सेंटीमीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट होगा? 16/100 × 173.25। ठीक है, बस अब इसको कैलकुलेट करना है हमें। 4 से चाहे तो डायरेक्ट 16 × 173.25 करके डिवाइडेड बाय 100 कर दे, मतलब डेसिमल को फिर शिफ्ट करके आपको मिलेगा 27.72 रुपीस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें रेडियस फाइंड करना है स्फीयर का। सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज 4πr² दैट इज 154। 4 × π × r² इज 154। सो r² विल बी हाउ मच? ये पूरा टर्म का साइड चेंज होगा तो न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 7 साइड चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और 4 × 22 न्यूमरेटर में था, साइड चेंज करने से डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, कैंसिल करते हैं ये 154 11 से कैंसिल हो जाएगा इजीली। 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11, 4 = 44, फिर 2 × 7 = 14। तो यहाँ पर जब 7 × 7/4 आर स्क्वायर इतना आ गया, तो आर कितना होगा इसका स्क्वायर रूट? 7 × 7 = 7 और 4 √2, सो दैट इज 3.5 सेंटीमीटर इज द रेडियस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, सपोज ये मून, ये अर्थ, और आपको डायमीटर क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। ऐसा हम लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। कैसा शेप है? स्फीयर। ठीक है, और यहाँ पर पहले मून लिखा है फिर अर्थ लिखा है डायमीटर के रेशियो में, मीन सरफेस एरिया में भी पहले मून और फिर अर्थ। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² दोनों केस में मून में m डाल देंगे और अर्थ में e डाल देंगे सबस्क्रिप्ट में। इसका रेडियस rm और इसका रेडियस re। ठीक है, यहां से यहां तक rm, 4π 4π कैंसिल। अच्छा, एक चीज यहां पर देखेंगे, डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक, तो रेडियस का रेशियो आ गया कितना आया, आर एम अपॉन आर ई कितना है 1/4, आर एम अपॉन आर ई रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 1/4। तो इनका स्क्वायर कर दे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:16। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेमिस्फेरिकल बोल इज मेड ऑफ स्टील और थिकनेस दी हुई है हमें, कितनी है ये थिकनेस? 0.25। यहां से यहां तक ये जो थिकनेस है ये है 0.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस ऑफ बोल, अगर अंदर का रेडियस आप देखोगे यहां से यहां तक, वो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बोल। क्वेश्चन समझ में आ गया? हमारे पास वही बोल है, ये सपोज स्टील की बनी हुई है और हमें फाइंड करना है ये आउटर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया मीन्स यू हैव टू फाइंड सी एस ए ऑफ बोल, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr² सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr². मैंने यहाँ कैपिटल आर लिखा है, इनर रेडियस को हम स्मॉल आर ले लें। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसकी जो थिकनेस है यहां से यहां तक का जो पार्ट है, जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी हुई है? दी हुई है 0.25। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? अगर हम इस फिगर को देखेंगे, इनर रेडियस यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर और ये है थिकनेस 0.25, तो आउटर रेडियस मतलब टोटल यहां से यहां तक का रेडियस कितना हो जाएगा? दिख रहा है सबको? इनर रेडियस प्लस थिकनेस, आउटर रेडियस आर विल बी इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इनर रेडियस इज 5, थिकनेस इज 0.25। ठीक है, तो ये हो गया 5.25 सेंटीमीटर इज आउटर रेडियस। बस अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, पाई कुछ बोला है नहीं बोला, तो 22/7 ले लेते हैं और रेडियस है 5.25 और उसका स्क्वायर करना है, कैलकुलेशन करना है। 7 से जा रहा है शायद, 7 × 7 = 49, 7 × 5 = 35, बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0.75 इंटू 5.25 करने से मिल रहा है 39375 39375 डेसिमल 1234 फोर डिजिट के बाद, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 173.25 और यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट में है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहां पर आपको दिया एक सिलेंडर, ठीक है, ये एक सिलेंडर है एंड इट जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, और ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर और हाइट ऑफ रिलेशन में, और हाइट ऑफ सिलेंडर में क्या रिलेशन मिला, h इक्वल टू 2r। कैसे मिलेगा h, h इक्वल टू 2r, h क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, और r इज रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में बोला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr² और यहाँ पर गिवन डेटा में सिर्फ रेडियस r गिवन है, गिवन डेटा में सिर्फ रेडियस r है और कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये यही आंसर हो गया क्योंकि r की वैल्यू तो दी हुई नहीं है। नेक्स्ट है CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πrh, 2πr, और h की जगह हम पुट करेंगे क्या, इन प्लेस ऑफ h वी विल राइट 2r, तो ये कितना हो गया 4πr² 2 2 4 पाई और r इंटू आर इज आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में बोला है रेशो, हमें दोनों जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आए हैं उनका रेशो निकालना है। दैट मीन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 4πr² अपॉन 4πr² दैट इज 1/1, सो रिक्वायर्ड रेशो इज 1:1। यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, स्फीयर यहाँ पर नीचे था, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बस बाकी तो सब ठीक है।